है जैसे खुद आंटी है, खूबसूरत हो एंड बिल्कुल लालची ना हो, बिल्कुल लालची ना हो। अरे हम्मा तो सीधा डेढ़ उम्र में कोई शादी करने आएगा और वो लालची नहीं होगा। किसी बातें कर रहे हो यार। Yo. तो बहुत सारे लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है, ठीक है। काफी सारी शादियां करवा रहे हैं लोग अमेजिंग ऑफर्स के साथ, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक आपने सभी पे देखी हुई कुछ ना कुछ वीडियो, तो उसके रिगार्डिंग ठीक है मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने वीडियो रिकमेंड की थी, उसने बोला था कि देखना, तो वही वीडियो देखेंगे हम। शुरू करते हैं। आज मेरे यार की शादी है। भाइयों इस देश को हुआ क्या है, कोई फेसबुक से स्वीडिश की लड़की को पटा ले रहा है और फिर शादी कर ले रहा है, और कोई अपने बेटे के ब्याह के दहेज से रशियन ले आ रहा है। बैल गए तो तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी शादी हो जाए, तो टेंशन मत लो, मैं लेके आया हूँ आज तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया रिश्ते एकदम दलाल बन के। तो तुमने इंटरनेट पे देखेंगे बहुत सारी जो है आजकल फेक वीडियोस बन जाती हैं, जिसमें लड़की जो है बहुत ज्यादा दहेज देने तैयार होती है, अपनी गाड़ी की चाबी, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद सब, और भाई लड़के जो है उसे रियल मान के अपने नंबर भी दिलाते हैं। ये भी चीज मैंने देखी, ये रहा उसके 5 लाख रुपए। अच्छा, मैं उसको दे के भेज दूंगी, अगर पसंद आ गया तो रातों रात हम निकल जाएंगे दुबई। दुबई उसको लेके, सबसे पहली बात तो ये 5 लाख रुपए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और दूसरी बात बहन तू आज तक गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर से आगे नहीं गई है, दुबई की बात कर रही है आके। सारे बंगले मिलेंगे। हाँ। और जो दुबई में क्लब खुलवा रहे हैं वो भी उसका हो जाएगा, ठीक है। और सारा पैसा उसका हो जाएगा, ठीक है। और मेरी 7 सीटर जो गाड़ी, हाँ, जो गाड़ी वो भी दिलाई थी उसकी हो जाएगी। अच्छा ये 7 सीटर है, तो भैया जो मेरी अल्टो है ना वो भी 10 सीटर है, 10 लोंडे बैठा लूं मैं उसमें। अरे कैमरा मैन स्क्रिप्ट तो सही से लिखवा देता उसे। वैसे कैसा प्यार चाहिए आपको? बताओ दीदी कैसा चाहिए? मुझे जैसा भी हो चलेगा, कन्फर्म भी कर रहा भाई नीचे लोंडा खुद ही कमेंट करके, किसी को हमने कमेंट नहीं करा। तो हमको दुबई ले जाओ, पैसा नहीं चाहिए। अबे दुबई ले जाके मजदूरी करवाई तुझसे, जिंदा है। इनको पैसे दे देती तो मैंने 2-2 लाख रुपए दिए हैं। इस पे खुद 2 रुपए नहीं होंगे इसका विमल खरीदने के लिए, यहाँ 2-2 लाख रुपए की बातें कर रहा है। रुपए इनको दे दिए और बैंक बैलेंस भी इतना है, 50-60 करोड़। तीनों में से किसी की शक्ल 50-60 करोड़ किसी के जी बी रोड के दल्ले, भाग जाए यहाँ से, मालिक आने वाला है, वीडियो बना के निकल ले, यही पकड़ के खूब मारेगा, वरना चोर बाजार के फटे हुए जूते पहन के कह रहा है मेरे बैंक अकाउंट में 50-60 करोड़ रुपए पड़े हैं। निकल ले भाई तू, चल भाई चल निकल ले। आप भी उसके सब कुछ उसका, बिल्कुल। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बता दो आप? रिक्वायरमेंट मेरी वही की वही है, देखो शादी करने के लिए लड़का चाहिए। लड़के की एज क्या होनी चाहिए मैडम? कास्ट क्या होनी चाहिए? लड़के की एज देखो मेरी एज है 19 साल। 19 साल? रुक जा भाई मेरे को चक्कर आ रहे बहुत खतरनाक तरीके से। अगर दोस्त दिए 19 साल के तो मैं भी 2 साल का हूँ अभी, पैदा हो गया भाई। 20, 22, 25, 30 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलेगी हाँ, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जात का हो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही नशे पत्ते की बात, भाई नशे पत्ते करो पर लिमिट के करता हो। चुप साली। और भाई दिक्कत की बात तो यह है, लॉन्डो ने ऐसे ही खुले आम अपना पब्लिकली नंबर डाल रखा है, मतलब इनको लग रहा है कि ऐसा सही में है। अभी दिमाग अंडकोश में चला गया है क्या तुम्हारे? मुझसे मिलने मैंने इन्हें पसंद किया। अच्छा आपने इनको पसंद किया? हाँ, तो भाई आपको पसंद है लड़की? हाँ जी भाई मेरे को पसंद है, मैं इसके लिए घर का झाड़ू पोछा सब काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। इसके लिए मैं गधा भी घोड़ा भी हर चीज बनने के लिए तैयार हूँ। एक बार गधा बन के दिखाना भाई। भैं, भैं, एक काम कर, सबसे पहले तुम भोसड़ी वाला बन के नहीं, मेरे इन लॉन्डो से एक सवाल है, अगर तुम इस वीडियो में आके एक्टिंग भी कर रहे हो तो इज्जत विज्जत है नहीं है कुछ? अर्ज किया है घोड़े के ऊपर घोड़ा इस लड़की की माँ का भाई, इसने कमेंट कर रखा है, इससे कहियो मुझसे कुछ मत कहियो, मैंने तो पढ़ा भी ना पूरा, ठीक है जी। कुत्ता बन के दिखाना, इसकी अलग फैंटेसी हो रही भाई की कुत्ता भी बनवा रही उसे। भाई यार इतना कुछ बन गया तो एक बार चूते बन के और दिखा दो थोड़ा सा प्लीज। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो तू पहले से ही है। मुझसे मिलने मैंने इन्हें पसंद किया है। अच्छा आपने इनको पसंद किया है? हाँ, तो भाई आपको पसंद है लड़की? हाँ जी भाई मेरे को पसंद है, मैं इसके लिए घर का झाड़ू पोछा सब काम करने के लिए तैयार हूँ। भाई इनकी जो फेक वीडियो है वो यहीं तक खत्म नहीं होती है, ये तो अभी छोटे मोटे नमूने दिखाए मैंने तुम्हें, आगे देखोगे तुम्हारी भयंकर आंखों में बवासीर होने तैयार हो जाएगा। जो भी शादी करेगा हम दोनों से एक ही मर्द चाहिए, हमें 2 मर्द नहीं चाहिए इस घर में। थ्रीसम क्या क्या देखना पड़ रहा है यार? देखो मैं ना तुम्हें बैक स्टोरी बताता हूँ, ये जो आंटी हैं इनका बचपन से नहीं थोड़ा आगे आ जाते हैं, जवानी से इनका एक शौक था कि इन्हें थ्रीसम करना है। अब इनके जो एक्स हस्बैंड थे उन्होंने कभी हाँ की नहीं, तो इन्होंने उन्हीं को ना कह दी और उन्हें दिया डिवोर्स, और अब ये एक ऐसा बंदा ढूंढ रही है
जो इनकी इच्छा पूरी कर सके और इनकी बेटी से भी शादी कर सके, ये ज्यादा जरूरी चीज है भाई, इस बात पे गौर दो। तो उससे मेरा क्या फायदा, इससे भी शादी करें उससे, एक ही। अच्छा ऐसा क्या है भाई, तुम में जो वो करेगा, पहली बात तो ये, और शादी शुदा होगा तुम अपने लिए एक ही लड़का मांग रही हो, लड़की के लिए भी है, लड़के मतलब भी। मुझे सिर्फ वो बच्चा दे दे। एवज में कोई भी एक भी रुपया अगर तुमने मांगा किसी से तो हाँ। देख लेना, रुपया नहीं मांगे हम, देंगे मांगने वालों में से ये सब दोगे। वो तो तुमने पहले कह दिया मैडम कि देंगे दोनों दहेज। डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, दहेज की बात कर रहा था मैं, तो तुम क्या समझे। जो एक ही लड़का आएगा हम दोनों से करेगा शादी, उसे देंगे। भाई इस लड़की का इस वीडियो में रोल क्या था, बस इधर आके खड़े होना था। ये शादी के लिए कोई लड़का चाहिए, ये भाई इनकी बेटी है और इनके साथ जो भी शादी करेगा भाई वो विदेश जाएगा और फॉरेन। ये इनकी बेटी है, अब ये अंकल जो है शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अभी रुक जाओ या बस इतना याद रखो अभी के लिए, अपने साथ लेके जाएंगे। मेरे को लड़का ऐसा चाहिए जिसका जो दिल है खुद आंटी है, खूबसूरत हो एंड बिल्कुल लालची ना हो। बिल्कुल लालची ना हो, अरे हम्मा तो उससे अधेड़ उम्र में कोई शादी करने आएगा और वो लालची नहीं होगा। किसी बातें कर रहे हो यार। भी अपनी जॉब को लेके बिल्कुल टेंशन में ना रहे, बिकॉज मेरे पास फिक्स जॉब भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास वीजा भी है, आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट द दिमाग दोस्त, आई हैव एवरीथिंग, बस मेरे पास दिमाग नहीं है। मैं अपने पिछले ही सेंटेंस में कह रही हूँ कि लड़का जो है लालची नहीं होने चाहिए, और दूसरे सेंटेंस में मैं अपनी चीजें गिना रही हूँ, जॉब है, पैसा है, गाड़ी है, सब है, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अबे कैमरे वाले फिर से कहूंगा साले चप्पल मारूंगा मैं तेरे, अभी निकाल के ना तूने स्क्रिप्ट सही से नहीं लिखी तो। भैया अधेड़ उम्र की है, फिल्टर हटाओगे, चश्मा हटाओगे तब समझोगे। मेरा प्यार बन के मालिक बना के रखूंगा, बीवी को प्यार नहीं देते हैं इस पर, दादा बन के रहूंगा, अब आगे अपना वंश चलाएंगे। तू भी फ्रेंक, हमने शादी की है और हम खुशी से रहेंगे। हमने हनीमून मना, दो गुलाब जामुन एक रसमलाई में बिक गया भैंचो। अभी देखो ये इंसान अपनी बेटी के लिए पति ढूंढ रहा था, अब इनने एक लड़का ढूंढ के खुद की शादी कर ली, ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हो रही, रुक जाओ अभी, अभी रुक जाओ, गन फट कर अभी तुम्हारे दिमाग में मैं बवासीर करा के छोड़ूंगा जैसे मेरे में हो रखा है। कैसे करे लग रहे हो, शर्म है कुछ तुम्हारे को, शर्म क्या करे, शर्म कितनी उम्र है आपकी पहले ये बताओ, और इसकी कितनी है, तुम्हारी कितनी है, मेरी 55 साल है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। भाई है मेरे को एक किलो जहर ला दो या फिर मेरे आंखों में 2 लीटर तेजाब डाल दो तुम, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। लड़की के मुंह से खुद हंसी निकल रही है, बुड्ढे को बॉयफ्रेंड कहते हुए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन इन्हें बुड्ढों को और वीडियो बनाने वालों को शर्म आने तैयार नहीं है। फिर भी कैसे लग रहे हो, शर्म है कुछ तुम्हारे को, शर्म क्या कर रही है, गरम आपके माँ बाप आपको स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए और आप स्कूल में अपने ही टीचर के साथ प्यार कर रहे हो। गाड़ी स्टार्ट कर, भैया मैं तो टूट गया, अरे भयंकर मैं टूटा नहीं, टूटा मेरी लाइट जरूर टूट गई भाई, और ट्यूब लाइट ही फोड़ लूंगा सिर पे, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है अभी, लेकिन अपने पे फोड़ू मैं, इनके सर पे मारूंगा ना। लड़का मिल चुका है जो कि हमारे इशारों पे नाचेगा और हमारा कुत्ता बनकर दिखाएगा, कुत्ता बनकर रहेगा ये, दिखाएगा क्या, कैसे रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा सही है भाई, सही है, नहीं अगर कुत्ता बना के ही रखना है तो कुत्ते से ही शादी कर ले, लड़के की क्या जरूरत है तुझे, अरे कुछ सेक्स करना था यार। हाँ जी आप क्या बोलना चाहेंगे जी, यही हमारा जो भी है बना है जो हमें, और बच्चे भी इसी से बच्चे चाहिए, से भी अच्छा आप लोगों को बच्चे भी इसी से चाहिए, बजा दूं बीन। पता है भाई ये जो सारी वीडियोस हैं बन क्यों रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, अभी मैं तो ये इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ लेकिन ये सारी की सारी जितनी वीडियोस होती हैं ये पोस्ट होती है फेसबुक पे। अब देखो तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर पता है कि फेसबुक की जो ऑडियंस है वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे गाली मत बकना इस बात पे लेकिन ये सच है, अभी उन लोगों में स्मार्टफोन तो आ गया है लेकिन उन्हें ये नहीं पता भाई क्या झूठ दिखा रहे हैं क्या सच दिखा रहे हैं, और फेसबुक पे वीडियोस अब जैसे मोनेटाइज हो जाती हैं भाई वहां से अपना तगड़ा तगड़ा रेवेन्यू बनाते हैं, मिलियंस मिलियंस में इनकी वीडियोस पे व्यूज जाते हैं, एंगेजमेंट तगड़ी है, जो समझदार है वो आगे गाली बकते हैं, तेरी मम्मी का परोठे खा जाऊंगा, और जो एकदम बेवकूफ है वो अपने आगे नंबर छोड़ जाते हैं कमेंट में। ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे मेरी सारी बातें माने, अच्छा, और सारी बातें माने। हाँ, मेरी सब बात माने, अच्छा हाँ, तो मतलब आप उसको पैसे भी दोगी, हाँ, ये गाड़ी अभी लिया मैंने उसको दे दूंगी, अच्छा ये गाड़ी पूरी उसको दे दोगी और ये पैसे भी उसको दे दोगी, अच्छा मतलब बहुत सारे पैसे पड़े यार नीचे, तो इतने में तो कोई भी लड़का अपना ईमान बेच देगा यार, मेरी आंखों से तो देखे नहीं जा रहे इतने पैसे। पसंद किया है, हम इनके साथ ही रहेंगे, एंजॉय करेंगे इनके साथ हम, अच्छा एंजॉय करेंगे, एंजॉय फुल टू एंजॉय होगा दोस्तों। तरुण किल्ला।
और बच्चा? बच्चा भी यही करेंगे हम दोनों को। हाँ जी। और ये अरे ये ढंग से बैठ के भयंकर सुबह सुबह टट्टी ना कर पाए तुम बच्चा करने की बात। फ्लैट वगैरह नाम में कर दिया, गाड़ी वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो हमें गाड़ी और फ्लैट गिफ्ट कराया। हाँ, हाँ। और ये आदमी सिलेक्ट किया? ये आदमी सिलेक्ट किया और यही हमें बेबी। भाई ने कितना काजल पोत रखा, ना लग रही बहन तुझे नजर। डेली क्राइम वेब सीरीज में आया था ये बुढ़ा। अच्छा हाँ वही भाई एक्टर वैक्टर पकड़ लेते हैं या फिर जो भी टिकटोकियो होते हैं रोड रोड पे वीडियो बना रहे थे घूमते रहते हैं ना उन्हें पकड़ के आ बेटी आ तेरे को फेमस करेंगे। 5 मिनट के लिए बुड्ढे के साथ तुम्हें ऐसी सी बातें करनी है जिससे जो है हफ्ते 15 से 20 की ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए और वीडियो वायरल चला जाए। ने फ्लैट वगैरह नाम में कर दिया, गाड़ी वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो हमें गाड़ी और फ्लैट गिफ्ट कराया। भाई वो भी सोच रहा यार ये सब तो नहीं क्या 150 रुपए दिए मुझे तो बस मुझे अभी वीडियो बनाने के लिए इतना झूठ मत बोले यार पहुँच जाएंगे। इसको किसी कुत्ते ने काटा? इसको कुत्ते ने काटा था। अच्छा भाई ये जो वीडियो बनाने वाले हैं शायद ना इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, लड़का कुत्ता बना है तो लड़की को ही बना के ले आइए। भाई ये कलयुग आ गया है, जानवर जो है वो इंसानों से अच्छी हरकतें कर रहे हैं आजकल। भाई तुमने अभी तक देखा कि इन लोगों ने सबकी शादी करा दी है बुढ़े से लेके जवान तक की, लेकिन बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये। होगी भाई शादी होगी अब। भाई इस पे तो मेरा जोक मारने का ही मन नहीं कर रहा है, अभी तक जो था वो तो ठीक था लेकिन ये किस डायरेक्शन में जा रही है वीडियोस? उस बच्चे के अभी ढंग से दूध के दांत तक नहीं टूटे और उससे कैसे कैसे एक्ट कराए जा रहे हैं यार बताओ, दिमाग खराब हो गया यार दोस्त मेरा तो। ठीक है भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दियो यार और ऐसी कहीं भी तुम्हें वीडियोस दिख रहे हो तो भाई सबसे पहले अगर ऐसी वीडियोस आपको दिख रही है तो उसको इग्नोर मारो ठीक है, और अगर आप कोई ऐसी वीडियो के स्कैम में मत फंसो थोड़ा ध्यान रखो, अपना नंबर ऐसे ही मत शेयर करो क्योंकि आपके नंबर की बहुत वैल्यू है, कोई भी बंदा अगर उठाता है तो वो डेटा कलेक्ट होता है वो काफ़ी आगे तक चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ इतना बड़ा स्कैम होगा कि आपके सारे पैसे उससे चले गए। तो ऐसे ऑनलाइन ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो और फेसबुक पे अगर आप हो ऐसी चीज़ें कर रहे हो और शेयर कर देते हो तो भाई थोड़ा ध्यान से ठीक है। तो वीडियो अच्छी थी, वीडियो फनी थी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी थी, काफी अच्छे अच्छे फैक्ट भी थे, काफी मतलब जो हो रहा है उसके बारे में था तो मेरे को अच्छी लगी काफी। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसके साथ इस वीडियो करते खत्म ठीक है, मेरे को वीडियो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मेरे को वो बताओ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बताना। फाइनली वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको।